बड़ी वेरीफाइड सूचना थी कि बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजपूत मोहल्ला है, वहाँ पर एक व्यक्ति है जितेंद्र सिंह और उसके पिता और उसका भाई शैलेंद्र और बजरंग सिंह, इन सब के पास एक अवैध मादक पदार्थ गांजे की काफ़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई हुई है और ये आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो उस सूचना पर SHO बाड़ी और हमारी जो DST टीम है, दोनों DST टीम, ये गए मौके पे और हमें जितेंद्र मिलता है, उसकी गाड़ी में हमें बोलेरो गाड़ी में 40 किलोग्राम गांजा मिलता है। उसे पूछताछ की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है, 4 किलो गांजा उसके घर पे मिलता है। उसके बाद 40 किलोग्राम गांजा और बगल में हाकिम सिंह नाम का व्यक्ति है उसके बाड़े में मिलता है, जिसको हम खुदाई करते हैं और बड़ा सा कट्टा 40 किलो का गांजा निकलता है। तो टोटल हमने यहाँ से 85 किलोग्राम गांजा हमने रिकवर किया कल रात में। उसके बाद इससे मौके पे ही इसने बताया कि इसका जो मेन सप्लायर है, जहाँ से इसने और लेकर आया है, उस व्यक्ति के बारे में भी बताया। वो व्यक्ति बॉबी नाम का व्यक्ति था, जो थाना मनिया के अंतर्गत लगता है, मांगरौल के आसपास का। उस पर अभी कार्रवाई चल रही है, SHO मनिया द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वहाँ से भी बरामदगी हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोग्राम गांजे का वजन है वहाँ भी, तो टोटल मिलाकर 125 किलोग्राम के आसपास का गांजा है। इसके फ़ोन से हमें काफ़ी और एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल्स हैं लेन देन की। इन्होंने इनका जो खुद का रेट है, वो इसमें जो डिटेल्स आई, 5600 रुपये पर केजी का रेट है, जो मार्केट में अगर आप मान के चलो तो कई गुना एक्स्ट्रा करके रिटेल में बेचते हैं। छोटे छोटे पाउचेस भी मिले हैं, ये बना के सप्लाई करते हैं। तो इसमें और भी जो लोग जुड़े हैं, कहाँ से ये गांजा लाया गया इतनी बड़ी खेप, उसके बारे में भी हमें सूचना मिली है। उसका हमने FIR में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आगरा का रहने वाला है, पेठे वाली मेवली क्षेत्र में पड़ता है, अनूप उर्फ भूरा, वो जो मेन सप्लायर है जिससे ये लेकर आए हैं, उसकी भी तलाश जारी है, टीम जा चुकी है, उम्मीद करते हैं वो भी आ जाएगा। तो हमने थाना मनिया पे भी एक कार्रवाई की, उसका शाम तक प्रेस नोट आ जाएगा, वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। वहाँ हमें एक गाड़ी में माल मिला, जो बॉबी फरार हो गया था वहाँ से, और ये हमारी समस्त कार्रवाई कल रात को हुई है। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो मेन इनपुट आया था भरतपुर SP साहब के तरफ से आया था, वहाँ जो साइबर सेल प्रभारी है रामवीर, उसका इनपुट आया था हमारे पास, उसको हमने डेवलप किया और फिर ये कार्रवाई कल रात में हमने की। सर, गांजे की इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत है? मैं मान के चलता हूँ, जो टोटल रिकवरी हमारी हुई दोनों थाना से मिला के 20 से 25 लाख की टोटल रिकवरी होगी। अभी वो कैलकुलेट क्या रेट यहाँ मिलता है, मतलब नॉर्मल मार्केट में, वो मुझे आइडिया नहीं है। जो इलीगल गांजा बेचते होंगे लोग, क्या रेट है वो पता नहीं, बट मेरा मोटा मोटा जो आकलन किया है वो 25 लाख के आसपास। एक और क्वेश्चन।